मैं हूं जाहिद इमाम और आप देख रहे हैं पंजाब के सी टीवी। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जनपद में दौरा होने वाला है। हालांकि 2:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उलन खटोले से पुलिस लाइन में पहुंचेंगे और उसके बाद मंच पे जाएंगे, वहां जनसभा करेंगे और उसके बाद सीधे रोडेस परिसर में आएंगे और यहां का लोकार्पण करेंगे और उसके बाद रोडेस परिसर की जो नई बिल्डिंग बनी है इसको हैंडओवर रोडेस प्रशासन को करेंगे और उसके बाद सीधे आईटीआई कॉलेज में जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और उसके बाद मंच पर जो लाभार्थी हैं उनको प्रमाण पत्र देंगे। ऐसे में हमारे साथ एक युवा है, इनसे जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या सोचते हैं, आज वो आ रहे हैं क्या कहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी नौरतन। नौरतन जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, कैसे देखते, क्या कहेंगे? जी माना जाए कि काफ़ी चर्चा का विषय योगी आदित्यनाथ रहे हैं और जो सूबे के मुखिया हैं और हमारे माना जाए कि एक तरह से धर्मगुरु हैं, तो काफ़ी उनकी चर्चा है, यहाँ विदेशों में भी उनका डंका। ऐसे में जो मऊ की जनता है काफ़ी उत्साहित है उनको देखने के लिए और लगातार जनता इंतज़ार कर रही है कि उनके जो मुखिया हैं उनके दीदार कब होंगे। हालांकि आज 8 तारीख और उनका यहाँ पर आगमन होना है, लेकिन आगमन की जो अभी जो समय है वो पूर्ण निर्धारित नहीं है, आने के बाद ही पता लगेगा किन किन जगहों पर उनका लोकार्पण का कार्यक्रम हो रही है। हाँ, तो मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है, गर्मी थी और चिलचिलाती धूप ने लोगों का जीना बदहाल कर दिया था। ये सावन के बाद का महीना, इतनी गर्मी नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं पर्यावरण का जो है विषयांतर अनुभव रहा है। आप एक युवा हैं, योगी जी को लेकर क्या उम्मीद कर रहे हैं कि मऊ जनपद एक आजमगढ़ गाजीपुर इनके बीच में मऊ जनपद पड़ता है, लेकिन यहाँ का कोई अभी तक जुझारू नेता ऐसा नहीं है जो मऊ जनपद के लिए काफ़ी चीज़ें लाए। मऊ बीच में इसलिए यहाँ पर काफ़ी जो सरकारी सुविधाएं वो आराम से मिल जाती हैं, हालांकि ये कोई भी बता सकता है, लेकिन सूबे के मुख्य जो मुखिया उनके आने से कहीं ना कहीं लोगों को यह लगता है कि आज अगर वो आते हैं तो मऊ को क्या सौगात देते हैं, युवाओं को लेकर, पेंशन को लेकर, रोजगार को लेकर क्या कुछ खास मऊ जनपद को दिया जाएगा या प्रदेश को, उम्मीद है लोगों को काफी, युवाओं को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे तो कुछ मऊ को दे के जाएंगे, यहाँ तक कि युवाओं के लिए नौकरी की भी बात कर सकते हैं। ऐसे में मौसम काफ़ी सुहाना हो चुका है और मौसम ठंडा भी हो चुका है। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोडेस परिसर में पहुंचेंगे और यहां का लोकार्पण करेंगे, उसके बाद रोडेस प्रशासन को नई बिल्डिंग हैंडओवर करेंगे। मऊ से जाहिद इमाम, पंजाब के सी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।